बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मुझसे पूछा मेरी तबीयत के बारे में और मेरी फैमिली की तबीयत के बारे में, और केयर शो की, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी कि आप जो है रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, या फिर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। बड़ी खुशी होती है ना कमेंट्स देख के ना। मुझे लग रहा था कि मैं एक वीक बाद अगर वीडियो डाल रही हूँ ना, तो पता नहीं मेरी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे मेरी वीडियो पर। लेकिन उस पर भी वीडियो पर भी आप लोग आए और आप लोगों ने मेरा इतना कोई हौसला बढ़ाया, इनक्रेज किया, मतलब मेरी तबीयत के हवाले से इतने क्वेश्चंस किए गए और मुझे मशवरा भी आप लोगों ने दिया कि हेल्दी डाइट लें या अपना ख्याल रखें, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और ये सारे ज़्यादातर लोग जिन्होंने मुझसे बात की, वो सारे मेरे YouTube के फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह। तो आई एम जस्ट सो हैप्पी कि अल्लाह का शुक्र है कि वी आर सराउंडेड विद द सो गुड गुड पीपल। अच्छा, तो जनाब ये सुबह का वक्त है और सुबह सुबह जो है सुबह 9:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। मॉर्निंग क्लासेस जो है 9:30 बजे से 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों की ऑनलाइन, और ये जो है ना अजान की होती है पहली क्लास, और अजान को मैंने जो है ना बिठा दिया था क्लास लेने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। और आज जो है ना ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तबीयत ऐसे ही हो रही है, अभी भी मैं इतना फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, तो बस मैंने जो है ना ब्राउन ब्रेड ले लिए थे और उनको सेक लिया था, और साथ में मैंने चाय ले ली थी। मैंने कहा चलो आज मैं बस यही खा लेती हूँ, और ज़्यादा मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। हाँ, बस ये कि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है कराची में, इतनी गर्मी हुई हुई है ना कि बस आप लोग मत पूछें, दिल करता है ना कहीं भाग जाओ। और जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले जब ब्लॉग डालते हैं ना, कहते हैं कि मौसम देखें कितनी अच्छी बारिश हो रही है, एक सरगोधा मॉम है वो डाल रही है, उन्होंने भी बारिश का दिखाना। मैं तो यार, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये बारिश ना बस वो जोक बड़ा मशहूर है ना कि वो कराची का जो है क्लाउड जो है ना वो डायपर पहन के रखता है, तो बस वही चीज़ है। बिल्कुल बारिश का कोई आसरा ही नहीं होता ना यहाँ पे। और अब भाई हम तो गर्मी में से बहुत बुरी हालत हो रही है, तो गर्मी ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस हम लोग तो मतलब वही है कि एसी चला लेते हैं यार, जनरेटर है, जनरेटर चला लेते हैं, लाइट भी जाती है। तो कितने लोग इस तरह के हैं ना जो बेचारे, जिनके पास ये सारी सहूलतें हैं ही नहीं, वो कितनी मुश्किल। बस अल्लाह ताला जो है ना इस गर्मी के ज़ोर को ना कम कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और कराची में भी ना थोड़ी सी बारिश बरस जाए, बल्कि मैं आप लोगों से कहती हूँ ना यार, आप लोग पंजाब वालों थोड़ी सी बारिश भेज दो ना यहाँ पे प्लीज़ यार, इतनी अच्छी दोस्त हो आप लोग मेरी। वी नीड थोड़ी सी बारिश, बड़ा मौसम जो है ना ऐसा हुआ हुआ, ऊपर से जो है ना बाहर, यहाँ तो पता है आपको बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। बड़े अच्छे मैं व्लॉग्स देख रही होती हूँ यूएसए में, मदर्स के इटली में, या फिर जर्मनी के, यूरोप के, यूके के, और सब बाहर निकल रहे हैं वॉक कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ही मुश्किल हुई हुई है ना सिचुएशन। खैर जी, और मैं काट रही हूँ गर्मा, आज हुआ ये ना बहुत ही अच्छी बात ये हुई ना कि मैं ना 2 दिन से 3 दिन से जो है ना फ्रूट वाला एक गली में आता है ना, मैं उससे पूछा करती थी आपके पास गर्मा नहीं है, तो कहते थे नहीं है, कहते अच्छा आपके पास गर्मा नहीं है, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए ना मैं उससे पूछे जा रही थी कि गर्मा नहीं है। तो आज वो स्पेशली ना बेचारा इतना कोई नेक आदमी ना, वो गर्मा लेकर ना आया और उसने खुद ही बेल बजाई, कहा कि बाजी आप 4 दिन से गर्मे का पूछ रहे हो, तो आज मैं गर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए ना, आप ले लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ले लिया। और जो है ना यकीन करें उस गर्मी में इतना बेचारा जिस तरीके से घूम रहे हैं ना सब्ज़ी वाले, उफल्ला बड़ा दुख हो रहा है देख देख के। खैर, गर्मा बिल्कुल भी मीठा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चीनी डाल लूँगी या फिर जो है मैं उसमें कुछ और डाल लूँगी, और शहद का भी ऑप्शन है कि वो भी डाला जा सकता है। खैर, मैंने आधा गर्मा काट के जो है ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए, और आधा जो था वो इसको क्लिंग फिल्म लगा के ना इस तरह से रख दिया था ताकि फ्रिज का जो पानी होता है ना, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फ्रिज का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ना गिरना शुरू हो जाता है फ्रिज में, तो बस मैंने सोचा कि वो ना गिरे तो इसको फिल्म लगा के रख दूँगी ना, तो ये सिक्योर हो जाएगा। और जनाब साथ में केले भी लिए थे मैंने, केले तो मैं लेती हूँ ज़रूर, जो है वो बच्चे शौक से खा लेते हैं, जब बच्चों के लिए बड़ा अच्छा स्नैक होता है ना। और अब मैं जो है ऑयल डाल रही हूँ बॉटल में, ऑयल की कहानी बताती हूँ आपको ना। ऑयल मैं जो है ना एक रेड ढक्कन वाली जार में रखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस में ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहने लगी यार तुम की किस तरीके से तेल रखती हो, नहीं क्या तरीके तेल रखने का, कोई ढंग की चीज़ नहीं था बस तेल रखनी है कच्चा अम्मी। और मैंने सुन लिया ना, और उसके बाद मेरे जहन में ना वो बात रह गई, आप बिलीव करें ना अम्मी की बातें इस तरीके से जहन में रह जाती हैं ना, और लगता है ना कि बस यार ये जो है ना अब इस पर काम करना है,
तो फिर ना मैंने जो है ना, मेरे पास शीशे का एक जग था, मैंने वो निकाला और जो है ना उसके अंदर ना तेल डाला और वो रखा। बस क्या नाम है, ईद के बाद से ही जो घर में बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो बस मेरा जो है ना सारा ध्यान जो है ना वो तीमारदारी में और इसमें उसमें गया हुआ है। फिर साथ में टेंशन अलग थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हो गया हो, ये सारी चीज़ें ना, असल बात ये होती है ना कि टेंशन ज़्यादा हो रही होती है, हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं बजाय इसके कि जो है ना चीज़ों को हल करें और सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे यहाँ का माहौल इतना सिक्योर है नहीं। ओली मिलो बेबी, मैं फ्रेंच फ्राइज बना ली। फ्रेंच फ्राइज जी, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। दुआ दुआ, क्या क्या खाना है? फ्रेंच फ्राइज। सही तरह बोलो। ये देखो, ये ना मैंने दुआ के ना बाल काटे हैं, दुआ बन गई डोरा। क्या बन गई दुआ? दुआ बन गई डोरा। डोरा तो फिर टेम्परेचर तो नहीं हो रहा? नहीं। डोरा 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 बोलने पे जवाब भी आ रहा है आगे से, तुम डोरा हो, तुम डोरा हो। और जो है फ्रेंच फ्राइज दे दे मां। हाँ बेटा, मैंने चूल्हा जो है ना ऑन कर दिया, बस मैं बना रही हूँ। ये जो है ना प्रिंटर, जो है ना प्रिंटर में से ना इंक लीक हो रही है, यहाँ से ये इंक लीक हो रही है। और जो है ये प्रिंटर जो है इसमें ये किट लगाई हुई है इस तरीके से ना, अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन करती हूँ ना फिर दिखेगा। ये देखें, ये प्रिंटर में ना किट लगाई हुई है इस तरीके से, कलर्स हैं, कौन सा ब्लैक है, ब्लू है, पिंक, रेड, आई डोंट नो, येलो, बहरहाल इस तरीके से ये किट लगती है जिसकी वजह से कलर्ड पेपर जो निकलते हैं ना वो इससे, और ये किट लगती है और इसके पाइप्स होते हैं और इसमें से इंक जो है ना वो जा रही होती है इसके अंदर। तो बच्चों के जो आजकल असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क हैं, तो उसके लिए ना प्रिंटर जो है वो बड़ी कीमती चीज़ हुआ हुआ है। तो बस ये है। अच्छा अजान, मैंने बना के ला रही हूँ आपके लिए फ्रेंच फ्राइज, ठीक है? चलो चेयर तो जगह पे रखा करो। तो जनाब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जनाब हो गए थे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी, मेरी प्लेट है, बच्चों को मैंने दे दिए थे, और जनाब मैं जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ खाने, फिर मैं पीऊँगी चाय और फ्रेश हो जाऊँगी, चाय भी नहीं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। और उस जनाब बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं कल के व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।